आईएएस एसोसिएशन के सदस्य इस वक्त केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायण सामी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कैन इंटरवीन इन द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्ट्स बीइंग ब्रॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय और द और एन मेमोरियल और रिविजन बीइंग फाइल्ड बाय द ऑफिसर कंसर्न। सो यू आर कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस विल बी डन टू दुर्गा शंकर? वी विल इंश्योर दैट जस्टिस विल बी डन टू दुर्गा शंकर। सर एक बार हिंदी में इसी के लिए, क्या अगर यूपी सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहती है तो क्या केंद्र सरकार आप उम्मीद करते हैं कि उसके पास अधिकार है? देखिए ऐसा है, जो अभी की विधिक व्यवस्था है उसके तहत केंद्र सरकार को अधिकार है, अगर कोई नए तथ्य उनके संज्ञान में आते हैं या उस अधिकारी द्वारा रिवीजन या मेमोरियल फाइल किया जाता है तो उस पर विचार करके मेरिट पे केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है जो अंतिम होगा। तो आप कितना आशान्वित हैं कि दुर्गा शक्ति को उनका अधिकार जो हम लोग 100% आशान्वित है। लेकिन सर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कार्रवाई सही हुई है, वो दोषी पाई गई और सस्पेंशन रिवोक करने के लिए सोच भी नहीं रही है सरकार। इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस संबंध में आप लोगों ने पिछले 3 दिन से जो सत्य है उसका उजागर कर दिया। दुर्गा नागपाल से भी आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग की बातचीत हो रही है उनसे? दुर्गा नागपाल का प्रकरण है, हमारा मंशा ये है कि जो व्यवस्था में कमी है उसको सर्वप्रथम हम दूर कराए, नियमों में जो कमी है उसको ठीक कराए और जहां संशोधन आवश्यक होगा वहां नियमों में संशोधन कराए। अगर नहीं होगा तो इसका एक प्रक्रिया है, हम सरकार के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे और नहीं होगा तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे।